बहुत बुरा फील होता है, पर क्या करे, पैसा एक ऐसी चीज है ना, लोगों को हर काम करने पर मजबूर कर देता है। चालू तो नहीं किया यार, चालू करता तो एक बार तो डुबकी मारने जरूर आते थे लोग, सिगारा वगैरह फेंक रहे यार, मस्त ना, वहां से आते थे डुपुक डुपुक, कितना मजा आता था। ये क्या है भी? सही बोलू, असली मेहनत इसको बोलते है भाई। आ रहा था तो भाई से मिला, और कैसे हो भाई? बढ़िया है, छुट्टी के मजे ले रहे हो? छुट्टी तो सबको लेना ही है भाई, क्या करें। तो मैं जा रहा चाय पीने के लिए, चल मिलता हूँ, चाय भी गया था। एक एक बॉय अपना अपनी पत्नी से बात कर रहा है। एंजॉय करो। बाय, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के छिल्लो, और कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आज मेरी दो दिन छुट्टी थी, कल सोचो कि पूरी कमर टेढ़ी हो गई, तो मेरे को अब सोचा कि मैं निकलूं बाहर, बाहर बाहर निकलूं, तो बाहर निकला हूं राइट नाउ, जस्ट अभी ये क्या हो गया, तो ये भैया टैक्सी वाले देखो पी किया, उसको लगा कि मेरे को टैक्सी चाहिए, बट मेरे को टैक्सी नहीं चाहिए, जा भाई तू ऐसे ही। और ये देखो नाव खड़ी है, पानी वाली जहाज, डुबकी लगाने वाला, बट हम लेके जा नहीं सकते, ये किसी इसके अंदर का होगा, कुवैतीज का। तो यहाँ पे जी हाँ, कुवैती रेसिडेंसी हमारे बाजू में आसपास रहती है। और अभी पहले चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर बाद में बात ही करते हैं। वो डिलीवरी बॉय वाला आया है। ये क्या है भी? लवली स्पोर्ट्स कार, नाइस, मस्त कार लेके बैठा है भाई। ये पहुंच गया हम लोग शारक। एक्चुअली जब आपका मेडिकल होगा ना, तो आप लोग मेडिकल कराने के लिए सारक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी मैं सारक रेस्टोरेंट आया हूँ चाय पीने के लिए, तो लेट्स टू हैव सम चाय ओवर हियर। ओए, गिरते गिरते बच गया। ये क्या यार, माहौल कुछ इस तरह है, पहले अलग ही सीन था तो अभी अलग ही सीन है। पहले यहाँ पे अपन चाय पीते फिर जाते, एक चाय पिला दो यार। चाय आ गई, बोले अलग ही सीन है भाई यहाँ पे कसम से। बस हो गया वन कप। अब चलते हैं यहाँ से। धूप कितना प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यही दोपहर के 2 बजे निकलूँ ना, अभी तो बज रहे हैं 10:30, कुछ 11 बजते होंगे अभी, यही दोपहर के 2 बजे निकलूँ ना हालत खराब हो जाएगी। तो अभी हो गया अपना इधर से ना चारी, एक फिलिपिनो कितना मेहनत कर रही है सामान लेके आ रही है, भाई साहब मेहनत मजबूरी पूछो मत। सही बोलूँ, असली मेहनत इसको बोलते है भाई, असली मेहनत इनको बोलते हैं। कम सैलरी में क्या क्या काम करना पड़ता है रोड के, अभी सब अपने यहाँ पे भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट अभी क्या है, आपको मैं एक लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने बीवी बच्चे छोड़कर दूसरे ना आवाज़ कर रहा है हाय, अपने बीवी बच्चे छोड़कर दूसरे की कंट्री में जाके ये सब कचड़े वगैरह उठाना रोड पे, मतलब कितना वो लगता है मेरे को, बहुत बुरा फील होता है। पर क्या करे, पैसा एक ऐसी चीज है ना, लोगों को हर काम करने पर मजबूर कर देता है। ऊपर वाले आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, सही है। ये रहा अपना मकान और ये रही अपनी बस, 3 बस ऑलरेडी लगी हुई है, बट मेरी तो छुट्टी है, तो बट मेरी तो छुट्टी है, मेरे को तो कहीं जाना ही नहीं है, मेरे को तो एंजॉय करना है। अभी बिल्डिंग के नीचे आके से इन राहों पर घूम रहा हूँ, अभी किधर जाऊँ मेरे को कोई समझ में भी नहीं आ रहा है यार, मैं घर पे बैठ के घंटाला भी आ रहा है और मूवी भी देख के इतनी सारी देख ली है कि पूछो ही मत, अभी क्या करूँ कुछ और भी समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट्स गो इनसाइड, वापस से बैठेंगे, चपाती उपाती पकाते हैं और वही करेंगे। अपने भैया मिल गए हैं, और कैसे हो? अच्छा हाँ, बिजनौर
आई वाह, लगा मेरे को लगा कि थोड़ा आप बंगाली आती है आपको। एक महीना हो गया आके। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है भैया, अच्छा लगा मिलके भाई। अपने गांव देश के मने ही यहाँ पे आ गए हैं भाई। सही है यार। भाई लोग अभी चाय पी रहे, मैं जस्ट अभी पी के गया भाई के साथ में, मिले हो गए मेरी लास्ट वाली वीडियो में, और ये भाई अपने घर पे बात कर रहे थे। अब तो क्या हो गया हमारे अकोमोडेशन में, तो अब डेली मिलना ही होता है। अभी दो दिन पहले भी मिले थे, तो सही है यार, लोगों से मिलकर, और भाईचारा ऑन द टॉप चल रहा है अभी तो। कंपनी चालू तो नहीं किया यार, चालू करता तो एक बार तो डुबकी मारने जरूर आते थे लोग, सिगारा वगैरह फेंक रहे यार, मस्त ना। वहां से आते थे डुपुक डुपुक, कितना मजा आता था। पहले लोग बहुत इंजॉय करके गए स्विमिंग पूल में, तो सेम कुछ है। रूल्स एंड रेगुलेशन आया है, भाई लोग पढ़ रहे, पढ़ के हमारा हो गया। एक चीज बता दो, देखो 10 KD फाइन है, कुछ भी घान वगैरह मिलेगा तो। चलते हैं अभी ऊपर और इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। हमने बहुत सारी मतलब बहुत सारी बातें की, अब लगी है भूख, तो भूख का जुगाड़ अपन करेंगे क्या भैया। अब मैं जा रहा हूँ भाई बनाने के लिए रोटी, मेरे पास में सब्जी रखा हुआ है, अब हम रोटी बनाएंगे। अरे यार मेरे कपड़े किसी ने, मैं भूल के चला गया, मेरे कपड़े ने किसी ने बाहर निकाले। तो ये हो गया मेरा रेडी, और अब इसको रखते हैं चावे पे दाल। अब मैं आपको सेक लेता हूँ रोटी, तब तक आप लोग टाइम लिफ्ट का एंजॉय। फाइनली काफी दिनों की मेहनत के बाद में मेरी दो रोटी और बची हुई है, उसके बाद में मेरा रेडी हो जाएगा यार। अब सबसे मैंने सबसे बड़ी रोटी बनाई थी, ये सबसे बड़ी रोटी है, बाकी सब छोटी छोटी है, सही है ना। लगे यार जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने बड़ा बड़ा बना दिया। मेरा चूहा जल रहा है, फटाक से मैं ये कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो बहुत सारी मशक्कतों के बाद में बन गई है मेरी रोटी, अब चलते हैं खाते हैं रोटी, फिर खा के थोड़ा देर लेटूंगा, फिर रात को देखते हैं सुबह का क्या प्लान है। पता नहीं किसी ने अपना अपना ऐसे छोड़ दिया, दो खाया बाकी का छोड़ दिया, तो रात का सीन मुझे कुछ भी नहीं पता है कि खाना बनेगा भी कि नहीं बनेगा, क्योंकि चावल खत्म हो रखा है, पैसे खत्म हो रखे हैं, तो दिक्कत अभी आ रही है। तो अभी चल के खाते हैं, अपने ठूसते हैं खाना, तो ये मच्छी के कांटे निकालने के लिए और इसमें मच्छी रखने के लिए। तो भाई दो दिन से मच्छी खा रहा हूँ मैं, मगर माँ के हाथ की रोटी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था ना, इसीलिए मम्मी को वीडियो कॉल पे रख के बोलता हूँ मम्मी मेरे को रोटी खाने का मन कर रहा है। मम्मी से बात करते हैं कि रोटी बन गई, आपने टाइम लाइफ भी इंजॉय कर लिया, बाकी सब तो बढ़िया ही है यार। इसको रख के आता हूँ, डन, ये अपनी जगह पे चला गया। अब खाली आते क्या करता यार, बहुत भागना पड़ता है, आओ जाओ, कम से कम 10 चक्कर ऐसे लगाता हूँ मैं। ये मेरा आटे का डब्बा, डन। अब जाएगा, अब सुकून से बैठ के खाएगा, अब खाने के बाद में मिलता हूँ गाइस, बाय। कल की मच्छी हम दोनों को डेली क्या मच्छी दिखाऊँ, उसकी वजह से मेरे को खुद को शर्म आ रही है भाई। अब तो एक दिन मच्छी बनाएगा कितने दिन खाएगा वो बता, तो मेरे को खुद को शर्म आ रही है। गरम सही बताऊँ, मच्छी का सबसे बड़ा पीस मेरे नसीब में है। इतना बड़ा पीस, खाली फिश का मुंह है उतना। अब थोड़े से जूस लेंगे, बाकी के सुमन के लिए रख देता हूँ, सुमन आके एंजॉय करेगा, छोटा ही पीस बचा हुआ उसके लिए। वो बोला मैं मुंह नहीं खाता, एक काम कर तू ले, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरह है, तो सशिकांत रखते हैं अब इसको, और ये पहला बाइट लेते हुए, नॉर्मल सॉफ्ट रोटी का पहला बाइट लेते हुए।
भाई चार रोटी मेरी तो बच गई है, अब इसको रख देते शाम को, तो शाम को दाल वगैरह बनाऊंगा, मस्त तड़का लग जाएगा। अब हम चले सोने के लिए, थोड़ा देर आराम करूंगा क्योंकि बहुत हो गया टाइम पास और लोग यहाँ पे बिजी है भाई अपने गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में। हम ही एक साधारण आदमी है जो एडिटिंग में अपनी वाइफ से और फैमिली से बिजी रहते हैं और बाकी सब लगे पड़े हैं, बट कोई नहीं, सब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मिलते हैं आपको बाद में गाइस, लेट्स गो स्लीपिंग टाइम नाउ। दो दिन इतना ऐसा लग रहा है कि यार पूरे दिन की नींदें पूरी हो जा रही है यार, क्या ही बताओ। अभी पहले तरसता था कि छुट्टी कब मिलेगी, जब सैलरी मिलती थी ना अपनी बड़ी बड़ी भाई। अभी भी मगर जो लोकल ब्रांड, हमारी कंपनी ने लोकल ब्रांड हायर किया भाई, उसमें खतरनाक भीड़ है क्योंकि लोकल है। अब इंटरनेशनल ब्रांड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिर मिलेगा अच्छा खासा मनी। अब सोते हैं। तो गाइस दबा के सो के उठने के बाद में अब जा रहा हूँ मैं अपना वर्कआउट करने के लिए, एंड मेरे पास में मेरे दो दिन कैसे चले गए पता भी नहीं चला। तो मेरे ऑफ का लास्ट दिन है। अभी जस्ट मैं एक यस आनंद का वीडियो देख रहा था जो कि एक 2 मिलियन वाला सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर है, एंड भाई प्राउड हो रहा है उसके ऊपर भाई। US में जाके अपनी बॉडी को एनहांस कर रहा है और बॉडी मतलब ट्रॉफी जीत के आया, और क्या चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हो गया मैं, अपने आप को कोशिश करता यार मैं भी करूँ बट नहीं हो पाता है, सच में बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ बहाने से हो जाता है। तो उसने बोला कि पहले पर्पस ढूंढो कैसा बनना चाहते हो, तो अभी पर्पस ढूंढ रहा हूँ, मगर पहले यूट्यूबर बन जाऊं अच्छा खासा, सो दैट मैं अपना प्रोटीन इंटेक वगैरह जो भी कर सकूं यूट्यूब के पैसे से, एंड सारी घर की जो ख्वाहिशें हैं पूरी कर सकूं यूट्यूब के पैसे से। तो जब तक यूट्यूब नहीं चल रहा है तब तक मेरे को अपने जॉब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एंड अपने ऊपर खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एंड अपने ड्रीम को डेली इधर से इधर स्टिकर वगैरह बनाता हूँ कुछ मैं, एंड ऑलरेडी मेरी बुक है, मैं उस पर लिखता रहता हूँ कि कैसे करना है क्या करना है। एंड जी ठीक ही है, चलो अभी चलते हैं वर्कआउट करने के लिए, आप सीधा जिम में मिलूंगा, फिर ये वर्कआउट खत्म करके फिर ये वीडियो को खत्म करूंगा। ओके, बट दो दिन छुट्टी, बहुत मजा आया भाई। तो जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, पहले लगाते हैं अपना दौड़ और करते हैं फुल बॉडी वर्कआउट आज। स्टे फोकस, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड, लिव योर लाइफ। छोकरा रेडी हो गया है, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। भाई मेरे पेट तो बहुत आगे निकले हैं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, देख रहे हो, पेट बहुत आगे है यार। एक कम तो इतनी जल्दी नहीं होएगा, बट मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, कोई नहीं, तो देखते एक दिन में क्या उखाड़ लेता हूँ। तब तक मैं करता हूँ। भाई कोई जबरदस्त मार के गया है लग रहा है, डम्बल उम्बल थोड़ा पीछे करता हूँ, नहीं तो गिरा पिरा सर फूटेगा। ठीक है, करके चले जाते हैं, इनके रखने के लिए इनका बापा आएगा, यहाँ पे असेंबल करते नहीं है, वैसे छोड़ के चले जाते हैं। Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. हाइड्रेट रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिससे भी मानी है। Got the venom, a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take the redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. Oh. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing. मैंने लेग किया नहीं है, बहुत दिन के बाद मैं लेग मार रहा हूँ। मेरी 5 करने में फट जा रही है, ये 12.5 किलो का डंबल है, मेरी 5 करने में फट जा रही है, मैंने कभी मारता ही नहीं। करते हैं। So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world. अच्छा खासा वर्कआउट किया और अच्छा खासा पसीना निकाला है मैंने, तो एक दिन में सुपरमैन या आर्नोल्ड नहीं बन जाऊंगा और ना ही मेरे को बनना है, क्योंकि मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है। सुबह खाली 4 रोटी खाया है आपके सामने, एंड उसी रोटी पे जिंदा हूँ मैं, तो डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे को लगी बहुत तगड़ा, अभी ऐसा लग रहा है कि चक्कर उठ कर आ जाएगा, तो पानी पीता हूँ, ऊपर मेरा शेक है,
जो केक उसको पीता हूँ, मतलब केला है या काजू बादाम अखरोट दूध। तो चलते हैं, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मनाएगा तो बस हाँ भाई, मेडिकल हो गया, मेडिकल करा के आ गया अपना भाई। कितना टाइम लगा? अब तो तगड़ा वाला नींद आती रहेगी। चल भाई सो जा। टीवी आ रखा है अपना, मोबाइल चार्जिंग लगा के गए। अब मैं ही हूँ घर में अकेला। उसका मेडिकल था आज तनुज का, और मेरा भी मेडिकल एक दो हफ्ते में होने वाला है। तो फिर मेडिकल का अलग ही वीडियो बनेगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सीन होता है, कैसे होता है। ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, मगर अब बोलते हैं ना ईयर बाय ईयर कुछ ना बदलाव अगर हुआ रहेगा तो पता चलेगा मेरे को, मेरे मेडिकल में। तो मैं आपको साथ में जरूर शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मैं जा रहा पहले शेक बनाने के लिए, मेरा जार की गया। अब इसके अंदर शेक बनाऊँगा, शेक पी के। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एवरीथिंग। थैंक यू।